हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे मानव भूगोल के दूसरे टॉपिक, सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक अपना है मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल पहले टॉपिक में अपन ने बात की कि मानव भूगोल का अर्थ, अपन ने बात की परिभाषा, उसकी नेचर, प्रकृति, इसको विशेष क्षेत्र की अपन ने बात। मूल रूप से अपने देखा कि मानव भूगोल मानव का अध्ययन है, मानव की क्रियाओं का अध्ययन है, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। लेकिन उसके साथ एक और मुख्य जो बात आती है कि क्या मानव भूगोल केवल मानव या मानव की क्रियाओं का या मानव से संबंधित अध्ययन ही मानव भूगोल है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ भी संबंध रहा है, संबंध है। मानव भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अनेक विषय हैं जो मानव भूगोल के साथ थे, उनका अध्ययन आवश्यक है। जैसा अपन ने बात की कि मानव वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित है, वैसे ही मानव भूगोल भी अन्य विषयों पर निर्भर करता है। अन्य विषयों से कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु हैं, वो मानव भूगोल में आत्मसात किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो अपन मूल रूप से ये नहीं कह सकते कि मानव भूगोल केवल मानव का ही अध्ययन करता है, बल्कि मानव भूगोल है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहा है। जैसे अपन बात करें कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही वातावरण के एक तत्व की भांति रहा है, वह वातावरण से प्रभावित हुआ है तथा वातावरण को प्रभावित भी किया है। यहाँ पे आप देखिए, अपन ने पहले भी बात की और यहाँ भी मानव भूगोल की शाखाओं में भी वही बात आती है कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही वातावरण के एक तत्व की भांति रहा है, वो वातावरण का एक पार्ट रहा है, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण का मान लीजिए आप, सांस्कृतिक वातावरण का आप मान लीजिए। वह प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित भी हुआ और अपनी उसने अपनी क्षमता से, अपनी रुचि से, अपनी क्षमता से उसने वातावरण को प्रभावित करने का कार्य भी किया है। दूसरी बात यहाँ पे करें तो मानव के वातावरण से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती रही है। वातावरण में रहने के कारण भू स्वरूप, जलाशय, जीवमंडल, वायुमंडल से संबंधित ज्ञान का अध्ययन मानव के लिए आवश्यक हो गया। अपने पहले टॉपिक में भी बात की थी कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव ने अपने विकास के साथ साथ जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी तो उसकी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, मानवीय जो गतिविधियां हैं, उनमें विकास हुआ। जैसे अपन ने बात की कि प्रारंभ में मानव ने प्राथमिक आर्थिक क्रिया के रूप में उसने अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अपन ने कहा कि भोजन, वस्त्र, आवास, जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की। समय के विकास के साथ मानव ने उत्पादित वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, और जिसको अपने कहा कि उद्योग वस्तु निर्माण की क्रिया, जिसे कहा जाता है वस्तु निर्माण केंद्र, जिसे अपन कहते हैं। उसके साथ समय के और विकास के साथ जैसे मानव की और सोच बढ़ी तो मानव ने तृतीयक आर्थिक क्रिया यानी व्यापार का कार्य प्रारंभ किया। तो ये मानवीय विकास हुआ मानव की सोच के साथ, मानव की आवश्यकता के साथ, उसके ज्ञान में भी वृद्धि हुई। अगली बात करें तो मानव ने इन विधाओं के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति और प्राप्ति के लिए विकास किया और भविष्य में ये विधाएं एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गई, परंतु इनका भूगोल से संबंध अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। अर्थात यहाँ पे अपन बात करें कि मानव भूगोल का जब विकास हुआ, चाहे वो प्रजातियों के रूप में बात कर लीजिए आप, जनसंख्या के रूप में बात कर लीजिए, मानव की आर्थिक क्रियाओं के रूप में बात कर लीजिए, कृषि को ले लीजिए, खनन को ले लीजिए, आखेट को ले लीजिए, परिवहन को ले लीजिए, निर्माण को ले लीजिए, व्यापार को ले लीजिए, तो ये मानव की जो आवश्यकताएं बढ़ी। पहले टॉपिक में अपन ने आवश्यकताओं की बात की थी। आवश्यकताएं अपन ने कहा कि दो प्रकार की होती है। एक अपन ने कहा कि प्राथमिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, जैसे अपन ने कहा भोजन, वस्त्र, आवास, और एक होती है उच्च आवश्यकताएं। अब भोजन, वस्त्र, आवास के अतिरिक्त जितनी सुविधाओं का उपयोग मानव करता है, जैसे आज का समय का मानव करता हो, जैसे प्राचीन समय का मानव उन सुविधाओं का उपयोग करता हो, तो वो सुविधाएं मानव की कौन सी सुविधाएं मानी जाती है, कौन सी आवश्यकताएं मानी जाती है, उच्च आवश्यकताएं मानी जाती है। जैसे अपन कहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, व्यापार है, तो ये सब मानव की आवश्यकताएं हैं, वर्तमान मानव की आवश्यकताएं हैं।
आदि मानव की आवश्यकताएं नहीं रही होंगी, लेकिन आधुनिक जो मानव है, सभ्य मानव जिसको अपन कह रहे हैं, उसकी ये मूलभूत प्रमुख आवश्यकताएं हैं जो किसकी श्रेणी में आती है, उच्च आवश्यकताओं की श्रेणी में आती है। तो मानव ने अपनी प्राथमिक उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य विषयों का उसने सहयोग लिया, अन्य विषयों का भी उसने मानव भूगोल में समावेश किया। अब ऐसे कौन से विषय हैं जिनका मानव भूगोल में समावेश किया गया, या अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल के साथ किया जाता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी विषय वस्तु मानव भूगोल के समान है, या जिससे मानव भूगोल ने कुछ ग्रहण किया हो जिसके फलस्वरूप मानव भूगोल एक नए विषय के रूप में उभर कर अपने सामने आया। उन मानव भूगोल की शाखाओं कि यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहली शाखा की अपन बात करें मानव भूगोल एवं गणित। अब आप देखिए प्रारंभ में अपने बात की कि मानव भूगोल मूल रूप से किसका अध्ययन है, मानव का अध्ययन है। अब गणित के साथ मानव भूगोल का अध्ययन कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। गणित में किसका अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, गणना की जाती है, संख्या को उसमें महत्व दिया जाता है। अब मानव भूगोल का गणित में किस रूप में महत्व होगा, किस रूप में महत्व होगा कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन होगा, जनसंख्या का अध्ययन होगा। अब जनसंख्या का जब अध्ययन होगा तो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व का जब अपन अध्ययन करेंगे, जब उसकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो किसके रूप में होगी, संख्या के रूप में होगी। और संख्यात्मक अध्ययन किस में किया जाता है, गणित में किया जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, दूसरा किसी भी स्थान विशेष की जो स्थिति है यहाँ पे आप देखिए।